सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि SBI का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आई वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, डेट यानी कि आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहां आपको लिख देनी है। इसके बाद आप यहां लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन टाइप। आप SBI में न्यू अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहां जो है आपको न्यू पे टिक कर देना है। आपका पहले से SBI में अकाउंट नहीं है तो यहां जो है आपको टिक कर देना होगा आई डोंट हैव एनी अकाउंट विद SBI। फिर आप नीचे आएंगे, यहां आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल, कस्टमर टाइप, यहाँ जो है आपको पब्लिक पे टिक कर देना है। नेम, यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आपको लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आधार नंबर, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ फादर, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ मदर, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम लिख देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी, यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। सिटीजनशिप, यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, आप जिस ऑक्यूपेशन से आते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री कोड ऑफ कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, यहाँ जो है आपको आई और एन लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इज ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, यहाँ आपको येस पे टिक कर देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर लिख देना होगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि बिना पैन कार्ड के किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लेस एंड सिटी ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपना प्लेस या फिर सिटी ऑफ बर्थ लिख देना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको इंडिया लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप एंड आईडी डिटेल, यानी कि यहाँ जो है आपको अपने आइडेंटिटी का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना होगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना होगा। मान लीजिए यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ आपको पैन कार्ड लिख, यहाँ जो है पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिख देना होगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, करंट कॉरस्पॉन्डेंस लोकल, देख लीजिएगा आपका किस हिसाब से आता है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस टाइप, यहाँ जो आप एड्रेस लिखने वाले हैं आप उस एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ आपको रेजिडेंशियल पर टिक कर देना है। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप यहाँ जो एड्रेस लिखने वाले हैं आपको उसका प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना होगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस, यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है। फिर यहाँ जो है आपको अपना सिटी लिख देना है, यहाँ जो है आपको अपना स्टेट लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया लिख देना होगा, यहाँ जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, और यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना होगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल, आपने जो पीछे एड्रेस लिखा था वही एड्रेस आप यहाँ लिखने वाले हैं तो यहाँ आपको सेम एज करंट एड्रेस पे टिक कर देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस टाइप, आप यहाँ जो एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप रहते हैं तो यहाँ आपको रेजिडेंशियल पे टिक कर देना है। फिर यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है। फिर यहाँ जो है आपको अपना सिटी लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं स्टेट, यहाँ जो है आपको अपना स्टेट लिख देना है। कंट्री नेम, यहाँ जो है आपको कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है, और यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर,
यहाँ आपको 9 और 1 लिख देना है, और यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपके पास एक और कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एडिशनल डिटेल, मंथली इनकम, यहाँ जो है आपको अपनी मंथली इनकम लिख देनी है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना होगा। फिर कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक तो हुई है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो ये 7th कॉलम और ये 8th कॉलम और ये 9th कॉलम में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म 60 नेम, यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, और यहाँ जो है आपको अपना प्लेस लिख देना होगा। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं 12th कॉलम में इंस्ट्रक्शन, आपको इस इंस्ट्रक्शन को भी पूरे ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको इस टर्म्स और कंडीशन को पूरे ध्यान से पढ़ लेना है। टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट प्लीज साइन इन ब्लैक इंक ओनली, यहाँ जो है आपको ब्लैक इंक से आपको यहाँ अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। यहाँ जो है आपको अपना प्लेस लिख देना है, और आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, यदि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सेविंग अकाउंट पर टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ आपको सेल्फ ओनली पे टिक कर देना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सर्विस रिक्वायर्ड, आपको जो SBI से सुविधाएं चाहिए आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना होता है। यदि आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने यहाँ आपको येस पे टिक कर आपको जो डेबिट कार्ड के ऊपर जो नेम चाहिए वो यहाँ आपको लिख देना होगा। यदि आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो यहाँ आपको नो पे टिक कर देना है। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं चेकबुक, यदि आपको चेकबुक की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिए। यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिए। यदि आपको SMS अलर्ट की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना होगा। मोबाइल बैंकिंग, यदि आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ येस पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिए। यदि आपको फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिए। यदि आपको SBI बड़ी की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिए। पासबुक रिक्वायर्ड, यहाँ जो है आपको पासबुक रिक्वायर्ड पे येस पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म DA-1 नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किसे मिले। आई, यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना होगा। नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पर्टिकुलर वेयर आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनी नेम, यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाएगा और यहाँ आप जिसका नेम लिख रहे हैं तो वो पैसे उसको मिलेंगे। फिर यहाँ जो है नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ लिखना होता है। नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिखनी होगी। नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ लिख देना है। फिर सिटी लिख देना होगा, पिन कोड लिख देना होगा। नॉमिनी जिस स्टेट में रहता है वो स्टेट यहाँ आपको लिखना होगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आधार एंड मोबाइल नंबर सीडिंग इन बैंक अकाउंट, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना होगा। इसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको इस टर्म्स और कंडीशन को पूरा ध्यान से पढ़ लेना है। टर्म्स और कंडीशन को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे, यहाँ जो है आपको अपना प्लेस लिख देना है। फिर आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी।
इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बैंक के अधिकारी भरेंगे। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। इस पेज में जो है टर्म्स और कंडीशन दे रखी है, इस टर्म्स और कंडीशन को आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इसके बाद आपको एक और पेज मिला होगा कुछ इस तरीके का। इस पेज में यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट टाइप। आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फ़ोन नंबर। यहाँ जो है आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। इसके बाद जब नीचे जाएंगे यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कस्टमर। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम। यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन। यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिख देना होगा। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि SBI का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। वीडियो आयो पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।